Content warning. In this video, we will talk about sexual assault allegations, allegations of rape, physical abuse, choking, molesting, mental abuse, stalking. And in this video, we will also see decapitated body, internal organs, blood. Viewer discretion is advised. Ma'am, were you crying when you were shooting him? I don't remember. Were you crying when you were stabbing him? I don't remember. How about when you cut his throat? Were you crying then? I don't know. So take a look then. I'm not asking you if you're looking at his eyes. I'm asking you whether or not you could see his face. He is more like a bull rather than a... State of Arizona versus Jodi Arias, verdict count 1. We, the jury, duly impaneled and sworn, and the above entitled action upon our oaths do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. You did not stab him 27 times. No jury is going to convict me. Why not? Because I'm innocent, and you can mark my words on that one. No jury will convict me. Hello guys, my name is SR PAY and welcome back to another case study with me. बाहर आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, so I don't know how the audio is today. But what do you guys think about my setup? I feel like कि मैं light change करके इसे थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ, but for now I am happy with this. I have given a trigger warning in the beginning of this video, but अभी भी I am saying this thing कि कुछ pictures and video इस केस में बहुत ही ज़्यादा disturbing है. इस केस ने मुझसे भी बहुत ज़्यादा energy ली है, so I understand. But it will be still a good lesson क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा role play करते हैं lust, love and jealousy. And before starting, I just want to appreciate everyone जिन्होंने last week मेरे UPI से डोनेट करा. Again, it's not compulsory, but it does help me out a lot, so thank you guys. On June 9th, 2008, ट्रेविस एलेक्जेंडर के दोस्तों को वो अपने बाथरूम में मरा पड़ा मिला एंड उसकी बॉडी पर बहुत सारे चाकू के निशान थे. 27 stab wounds were found on his body. उसका गला पूरा एंड टू एंड कटा हुआ था एंड उसके सर पे गोली के निशान थे. उसके पूरे बाथरूम में हर जगह खून ही खून के निशान थे एंड उसकी वॉशिंग मशीन से एक कैमरा मिला जिसमें निकली हुई फोटोज ने इस केस के कल्प्रेट को पकड़ने में हेल्प करी. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड जोडी आरियास. जोडी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 9th, 1980 इन कैलिफोर्निया. जोडी एक बहुत ही फ्री नेचर की, एक फ्री स्पिरिटेड लड़की थी और उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था. वो फोटोग्राफी अपने लाइफ में सीरियसली लेना चाहती थी. सो शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल इन 11th grade. उस समय कुछ ज़्यादा काम ना होने की वजह से एंड बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम होने की वजह से जोडी ने ये डिसाइड करा कि मैं फ्रीलांस वर्क उठाती हूँ. सो शी टुक अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब्स फॉर फोटोग्राफी इन दैट एरिया. पर ये सारे पार्ट टाइम जॉब इतना अच्छा पे नहीं करते, तो अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए शी ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क एज अ वेट्रेस. इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 2001 में जोडी डैरल ब्रूवर से मिली जो कि उस रेस्टोरेंट के लिए उस टाइम पर बेवरेज मैनेज करता था. वहाँ से ही जोडी एंड डैरल की बात रेगुलरली होना शुरू हो गई एंड दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स. इन 2003 वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए एंड वो अपने रिलेशनशिप को लेकर इतने सीरियस थे कि इन्होंने साथ में एक घर भी ले लिया एंड ऑब्वियसली वो साथ में रहने लगे. उन दोनों को ही लोग रेस्टोरेंट में एंड रेस्टोरेंट के बाहर भी बहुत ज़्यादा टीज करते थे क्योंकि डैरल उस टाइम पे 40 साल का था एंड जोडी वाज 21 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. तो लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि ये तो तेरे से दुगनी एज का है, बट बोथ ऑफ देम दे डिड नॉट केयर एंड या दे बोथ वर इन लव. वेटरेस का काम करने के बाद जोडी ने फोटोग्राफी के काम लेना बहुत कम कर लिया था एंड वो पैसे कमाने के और वेज ढूंढ रही थी. सो 2006 में जोडी एक प्री पेड लीगल सर्विसेज और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करने लगी. इस MLM कंपनी की LA में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती थी एंड दिस इज वेयर जोडी मेट ट्रेविस विक्टर एलेक्जेंडर. ट्रेविस एलेक्जेंडर इस कंपनी का मोटिवेशनल स्पीकर था एंड वो बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्ट्स भी मैनेज करता था. सबसे बढ़िया तरीका अगर ट्रेविस को डिस्क्राइब करने का होगा तो वो ये होगा कि ही वॉज अ वेरी हैप्पी कैरेक्टर. वो बहुत ही खुश, बहुत ही लवेबल एंड यू कैन से ही वॉज अ लाइफ ऑफ द पार्टी. हिज फ्रेंड्स लव्ड हिम, हिज कोवर्कर्स ट्रस्टेड हिम एंड ही ऑब्वियसली हैड द स्किल्स टू टॉक टू पीपल. जोडी और ट्रेविस 2006 के सितंबर में मिले थे एंड इस समय जोडी वॉज लूजिंग हर फीलिंग्स फॉर डैरल क्योंकि ट्रेविस से मिलने के बाद शी वॉज जस्ट मोर इंटरेस्टेड इन हिम. ट्रेविस एंड जोडी की बहुत ही ज़्यादा बातें होती थी एंड इट वॉज क्लियर दैट दे वर मोर देन फ्रेंड्स. जोडी को अपना घर जाना, वापस डैरल पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड इस समय उसके दिमाग में बस ये चलता था कि कब मैं वापस जाके काम पर ट्रेविस से बात करूँ. तो एक रात जब जोडी एंड डैरल थोड़ा इंटीमेट हो रहे थे, जोडी रिफ्यूज टू किस डैरल. तो डैरल ने जोडी से पूछा कि मैंने क्या गलत करा, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? तो विश रिप्लाइड कि मुझे मॉर्मनिज्म रिलीजन में इंटरेस्ट है एंड मैं अपने शरीर को अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचाना चाहती हूँ, विच बेसिकली मेंट कि उस पॉइंट से उसे शादी से पहले सेक्स नहीं करना था। कीप दिस पॉइंट इन माइंड क्योंकि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जोडी से ये चीज़ सुनने के बाद डैरल ही वॉज जस्ट शैटर्ड। जोडी एंड डैरल 3 साल से साथ रह रहे थे, तो ऑब्वियसली डैरल थॉट कि हमारे रिलेशनशिप ऑब्वियसली सीरियस है एंड डैरल इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहता था। कुछ ही दिनों में डैरल जोडी से शादी के लिए पूछने वाला था, बट आफ्टर हेयरिंग दैट लाइन फ्रॉम जोडी, डैरल को एक क्लियर था कि जोडी उसको फ्यूचर हस्बैंड जैसे नहीं देखती। इसीलिए बुरा लगने के बाद भी डैरल ने जोडी को ज्यादा कुछ बोला नहीं। ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड एंड वो अपना ज्यादा टाइम जोडी और अपने बेटे के बीच में डिवाइड नहीं करना चाहता था। डू यू फील लाइक समथिंग हैपेंड टू हर टू चेंज हर, दैट दिस वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वुमन देन द वुमन यू न्यू? I saw that change. She's unrecognizable to me now as to the Jodi she used to be. She never talked like that. She never lied and had that disrespect. She was not manipulative. She was not evil. What broke you up, the two of you? I was very close to asking Jodi to marry me. I wanted to have a child with Jodi, and I would have married her. I just couldn't do it. I couldn't do it because I already had a son. And I only have so many hours in a week, and I knew that if I got married again and had another child, that it would take away from the very limited time that I had with my son. Do you still care for Jodi Arias? I care very much for Jodi Arias. It's been said that I'm still in love with Jodi Arias, and that's why I'm here. I'm not still in love with Jodi Arias, but I have love for her, and I hold her dear to my heart. True love never dies. So yeah, Darryl seems like a nice guy. At least जितने भी मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं उनसे तो यही लगता है। जब जोडी ने डैरल को बोला था कि मैं शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती हूँ, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया। See again, जोडी ने कहा था कि उस पॉइंट से मैं सेक्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी बॉडी अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचाना चाहती हूँ, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मॉर्मनिज्म में बॉडी को कुछ भी टेम्पर करना गलत बात, विच डिड नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज शी वॉज गेटिंग ब्रेस्ट इम्प्लांट्स द नेक्स्ट वीक। सेस गो ऑफ आई गेस। डैरल को भी जो ये सडन इंटरेस्ट था जोडी का मॉर्मनिज्म में, ये समझ नहीं आया। उसने पहले कभी भी जोडी को किसी भी रिलीजन के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। बट की चीज जो डैरल को उस टाइम पे नहीं पता थी वो ये थी कि ट्रेविस अलेक्जेंडर एक्चुअली मॉर्मन था एंड जोडी बस मॉर्मन रिलीजन में इंटरेस्ट इसलिए दिखा रही थी बिकॉज शी वांटेड टू गेट क्लोज टू ट्रेविस। ट्रेविस से सेमिनार में मिलने के एक वीक बाद ही जोडी एंड ट्रेविस की रिलेशनशिप काफी सीरियस हो गई थी एंड दे बोथ स्टार्टेड टू हैव सेक्स Just after 1 week of seeing each other. Now I know this thing कि तुम्हें मेरे टोन से लग रहा होगा कितना ज़्यादा जजी है ये। It's not like that. It's not like that. ठीक है। अगर हम जोडी का ये भी लेकर चले कि she had mild interest in Mormon religion, then why did she have breast implants? और उसने ट्रेविस के साथ सेक्स क्यों करा? And also Travis was following Mormon religion for his whole life. So वो ड्रग्स, सिगरेट, दारू ऐसा कुछ भी नहीं ले सकता था। And it also meant कि वो शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकता था। And 30 साल तक he stood by his beliefs pretty well. पर जोडी के साथ आते ही पिघल गया ट्रेविस। While Jodi and Travis were having sex, जोडी अभी भी डैरल के साथ उसके घर में रह रही थी। You can say this thing that she was double dating. And जोडी ने डैरल को ट्रेविस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो वो धीरे धीरे डैरल से अपनी रिलेशनशिप कट करने लगी। एंड डैरल को भी ये चीज समझ आ गई कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी एनीमोर, तो उसने वापस अपने बेटे के साथ मूव इन कर लिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। जोडी अभी भी उसके एंड डैरल के खरीदे हुए घर में रह रही थी जो कि कैलिफोर्निया में था एंड ट्रेविस एरिजोना में रहता था। So they both stayed in long distance relationship. वो एक दूसरे से घंटों तक कॉल्स में बात करते थे एंड एक दूसरे को बहुत सारे ईमेल्स लिखते थे। Over 82K emails in 5 months. They did not use any of the ancient SNS at that time. Facebook 2004 में लॉन्च हो गया था, so I don't know why they did not use it. But getting back to this thing, Jodi and Travis, they were getting very serious and Jodi believed that this wasn't just one-sided love. And शुरू में ट्रेविस को भी जोडी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक बार जोडी से मिलकर जब ट्रेविस घर गया तो उसने अपने फ्रेंड को ये मैसेज लिखा था, We really hit it off. Whoever will marry Jodi will be a very lucky person and will luck out in wife department. पर उनकी रिलेशनशिप का सच कुछ और ही था। हाँ, ये बात सच है कि जोडी एंड ट्रेविस साथ में थे इवन दो दे बोथ वर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस, बट इट वाज क्लियर कि उनकी पूरी रिलेशनशिप का ड्राइविंग फोर्स वाज जस्ट लस्ट। जैसे मैं तुम्हें पहले बताया कि ट्रेविस एक मॉर्मन, सो व्हेन ही मेट जोडी ही वाज अ 30-year-old वर्जिन। सो जोडी से मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह पाते थे एंड जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे तो वो हमेशा फिजिकल होते एंड इस इंटिमेसी की वजह से जोडी को ट्रेविस से प्यार हो गया था। बट ट्रेविस ही वाजंट रियली श्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ही जस्ट wanted to have sex. Travis was feeling guilty and he knew कि जो भी वो कर रहा है वो उसके beliefs and उसके religion के against है और वो एक ऐसी लड़की से शादी या डेट नहीं कर सकता जो कि मॉर्मन नहीं है। So he asked Jodi to read the book of Mormon. ये बुक पढ़ने के कुछ महीने बाद जोडी ने ये डिसाइड करा कि वो कम्प्लीटली मॉर्मनिज्म को अपना लेगी एंड दैट शी विल कन्वर्ट। इस पूरे प्रोसेस में ट्रेविस बहुत सपोर्टिव था एंड उसने जोडी के कन्वर्जन में हेल्प भी करी थी। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग कि कन्वर्जन का डिसीजन जोडी का था एंड कन्वर्जन के बाद जोडी ने एरिजोना मूव कर दिया, प्रॉबली टू बी क्लोज टू ट्रेविस। देयर वाज नो प्रैक्टिकल रीजन फॉर हर टू मूव टू एरिजोना। वो अपना जॉब कैलिफोर्निया से भी कर सकती और उसे प्रॉबली ट्रेविस को टैब्स पर रखना था, उसकी हर एक चीज होते हुए देखनी थी। सो या एंड आई आल्सो थिंक फॉर जोडी टू बी ऑन द stand saying that Travis never showed affection and he was embarrassed of her, this shows right here that, I mean, there were, you can't see in the rest of the video, but there were 20 other people standing opposite to Travis listening to the story, and she was laying there, and this is how she always was around the group. She, you know, was apathetic. She didn't care about anything, and she was, you know, always trying to get Travis away from the group. So basically what you're saying is it was a lot of public display of affection. Well, she's like a feline, like a cat rolling up in his lap. Right, it's like extreme shows of affection. And then again, you say, Holly, isolating him from his friends and family, that's kind of a move that people do when they're up to no good. So at this point in their relationship, जोडी ट्रेविस को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव हो रही थी एंड ट्रेविस ऑन द अदर हैंड ही वाज लूजिंग इंटरेस्ट इन जोडी। स्टिल दे बोथ वर टुगेदर एंड जब तक वो साथ में थे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। ट्रेविस के दोस्तों को जोडी के बारे में पता था बट दे डिड नॉट पर्टिकुलरली लाइक हर। इनफैक्ट ट्रेविस के दोस्तों को जोडी का बिहेवियर, उसके एक्शंस एंड उसके डिसीजंस, जैसे कि मॉर्मन रिलीजन को ज्वाइन करना, ये सब बड़े अजीब से लगते थे। यस दे ऑल यूज टू हैंग आउट टुगेदर बट इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें जोडी के साथ हैंग आउट करना था। दे वर जस्ट डूइंग दिस थिंग फॉर ट्रेविस। Dude, I'd have been like, "Mommy!" I was just one thing did is shut me up. I said me talking I was just like I didn't have much to say but it was an interesting situation. There was this woman that was seeing all this. Like 10 feet away, and she started like crying uncontrollably. So I got a gun against my temple, and he keeps like doing this with his gun. And then she's over here, so I'm looking at my peripheral because I don't want to turn this way. And I'm like, shh. And he's like, shut up, shut up, shut up. 2007 में डेट करने के 5 महीने बाद ट्रेविस ने जोडी के साथ ब्रेकअप कर दिया। जब ये दोनों डेट कर रहे थे तब ट्रेविस साइड में काफी लड़कियों को टेक्स्ट भेज रहा था, आई एम सॉरी ईमेल्स भेज रहा था। एंड जब जोडी को इस बारे में पता चला देन शी वाज रियली पिस्ड। ट्रेविस ने जोडी को ये एक्सप्लेन करा कि हमने कभी भी ये एग्री नहीं करा था दैट वी वर एक्सक्लूसिव, शी वाज जस्ट हिज डर्टी लिटिल सीक्रेट। ट्रेविस ने कहा कि वो जोडी के बारे में अपने दोस्तों या फैमिली किसी को भी नहीं बता सकता है बिकॉज ही डिड नॉट वांट पीपल टू नो that he was sexually active as it was against his religion. उसे अपनी Mormon, this clean devoted Mormon image एकदम साफ रखनी थी। तो उन दोनों का breakup हो गया and Travis started to date other girls. पर breakup के बाद भी Travis and Jodi एक दूसरे से टच में रहते थे and वो still घंटों तक फोन पे बात करते थे and most of these calls were very sexual. You can skip this part if you're not wearing earphones, but I have to play it because this proves कि Travis भी Jodi को अपने हुक में रख रहा था। I'm gonna tell you to show you and put it in your ass, by the way. What's that? I'm going to tie you to a tree and put it in your ass, by the way. Oh my gosh. That is so debasing. I like it. Like, since you've left, I check off every day, sometimes 2-3 times a day. Are you serious? Shut up. Well, as always, just a fucking hell. Oh, you're calling me right now. I wish you were here. If you were here, my grandparents were asleep, I'd let you right into my bedroom, we'd shut and lock the door, and we would just have a big fuck fest. You'd go at it all night. Well, let's do it, baby. I'm gonna be there, you know? I want you to come. Oh, don't worry. I want to give you a cream pie, too. What's up? So yeah, they were friends and they were still hooking up from time to time. To me it seems like कि ट्रेविस के लिए this was all so new. So इसीलिए उसने जोडी को safe zone में रखा so that he can get intimate with her whenever he wants. But he also started to see and also started to talk to other women. So situation ये थी कि ट्रेविस अब multiple लड़कियों के साथ date पर जा रहा था and he was still hooking up with जोडी. And जोडी को इस बारे में पता था but she was still pretending कि this was all fine. कोई बात नहीं, हम दोनों ने mutually breakup करा and we can still be FWB. She was pretending to be fine with this thing. पर अंदर ही अंदर जोडी को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो बस ये सोचती थी अगर हम लोग बार बार फिजिकल होते रहे तो एक दिन होपफुली ट्रेविस को ये दिख जाएगा कि बाकी लड़कियां उसके लिए गलत हैं, एंड ही इज सपोज टू बी विद मी एंड ओनली मी। इवन रीडिंग दैट लाइन मेक्स मी रियलाइज हाउ टॉक्सिक दे हुआ। पर जैसा जोडी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेविस वाज स्टिल सीइंग अदर वुमेन एंड फाइनली जोडी शी स्टार्टेड टू गेट वेरी वायलेंट। बहुत महीने तक ट्रेविस बस जोडी को सेक्स के लिए यूज कर रहा था। सो जोडीज बबल इट फाइनली पॉप। जोडी उसके घर की चीजें तोड़ने लगी। उसने ट्रेविस की गाड़ी के टायर चाकू से फाड़े। जब ट्रेविस उसको अपने घर के अंदर नहीं आने देता था तो वो मेन डोर के डॉग डोर से अंदर आ जाती थी एंड रात को उसके काउच पर सोती थी। व्हेन ट्रेविस डिड नॉट नो दैट शी वाज इन द हाउस। वो ट्रेविस के घर के पास झाड़ियों में छुप जाती थी एंड वो रात में उसकी फोटोज क्लिक करती थी। ट्रेविस जिस भी लड़कियों के साथ रहता था जोडी उन्हें थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजती थी एंड कुछ केसेस में तो वो लड़कियों के घर भी चले जाती थी। She had slashed his tire several times. She had slashed his he had dated someone earlier that year. She had slashed her tires. She had sent threatening emails to both Travis and his girlfriend of the time. She had followed us on the first date that we went on. She sounded dangerous. She had broken into his email accounts, his bank accounts. She would sneak into his house through the doggy door and sleep on his couch at night. She hacked his Facebook and उससे वो लोगों को मैसेज भेजती थी। कभी कभी तो वो ट्रेविस की टाइमलाइन पे अपनी फोटो पोस्ट करती थी इन होप्स कि लोग ये सोचेंगे दे आर स्टिल टुगेदर। सो या इवन दो जोडी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी शी वॉज नॉट हैप्पी विद वट एवर ट्रेविस वॉज डूइंग। पर इतना ज़्यादा साइको बिहेवियर देखने के बाद भी ट्रेविस वॉज स्टिल विद जोडी। दे बोथ वर स्टिल फिजिकल एंड ही जस्ट वोंट लेट हर गो। वो दोनों डिनर पर जाते थे, वो दोनों घूमने जाते थे, व्हाइल जोडी वॉज थ्रेटनिंग एनी गर्ल who would breathe the same air as Travis. मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है कि वो जोडी से दूर क्यों नहीं भाग रहा था। She was seriously crazy. Seriously crazy भी मारो गोली। She was threatening his friends also, but okay. In April of 2008, Travis के साथ घूमने के बाद जोडी वापस अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने लगी। And जब वो वहाँ रह रही थी, then suddenly उसकी ग्रैंडमा के घर पे एक चोरी हुई। चोर ने ज्यादा बड़ी कुछ चीजें नहीं चुराई, only few valuable things. But that burglar also took her grandma's gun. So missing gun की रिपोर्ट की वजह से जोडी को कहीं बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा था। ये गन जोडी की ग्रैंडमा की ही थी, बट शी वाज ओल्ड। सो जोडी ने सोचा कि आप घर में ही रहो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बट बार बार पुलिस स्टेशन जाना वाज वेयरिंग हर आउट। सो शी डिसाइडेड टू मीट ट्रेविस फॉर वन लास्ट टाइम। वो दोनों एक्चुअली कैनकून एक वैकेशन पे जा रहे थे, बट ट्रिप से कुछ दिन पहले ही जिस दिन ये चोरी हुई थी उस दिन जोडी को ये पता चला कि ट्रेविस उसको नहीं किसी और लड़की को अपने साथ ले जा रहा है, and this made her really, really, really angry. To Jacob Mefford joining us, this is very dear friend of Travis Alexander. Jacob, you went on that Cancun trip? Yes, I did. I understand that Travis Alexander had really been looking forward to going, and he was taking a new friend that happened to be a woman with him, correct? Yes. Tell me his thoughts on the Cancun trip. I believe this was a woman that he was interested in, but that it had not turned romantic yet? Yeah, I hadn't met her yet. So we were actually excited that he was bringing somebody else besides Jodi, because that meant the end of the Jodi days is what we were hoping. Now, why do you say that? What do the other friends say? And what was Travis concerned about what was going to happen when Jodi found out about the trip and the woman? I'm not sure, but we do know, you know, towards the end looking back on it, we, you know, I think that he started to realize he was definitely in over his head and he really didn't know how to get completely away from Jodi. Why do you say that? Well, she had this ability to disconnect, so I'm sure that, you know, because he sound logic and being in touch with reality and her not, you know, when he got around her, I mean, we'd have instances where we'd be like, Jodi, you're not welcome here. On June 2nd, 2008, Jodi ने कैलिफोर्निया में एक कार रेंट करी एंड वो इम्पल्सिवली ट्रेविस से मिलने गई। वो उस पूरी कार राइड में बस यही सोच रही थी कि अब बहुत हो गया, या तो ट्रेविस मुझे चूज़ करेगा या फिर मैं ट्रेविस से सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दूंगी। शी थॉट दैट दिस वाज द फाइनल स्ट्रॉ, आई विल नॉट बच फ्रॉम माई क्वेश्चन दिस टाइम। पर जब जोडी ट्रेविस से मिली शी गेव इन एंड ट्रेविस एंड जोडी दे गॉट फिजिकल अगेन। सो 3 जून को ट्रेविस से मिलने के बाद जोडी अपनी रेंटल कार लेके वापस कैलिफोर्निया आ गई। जोडी ने कार वापस करी, वो वापस अपनी दादी के घर गई एंड आफ्टर दैट Nobody heard from Travis for few days. Travis के फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान करी थी, उसने वो भी मिस कर दी। Travis उस नई लड़की के साथ कैनकून ट्रिप पे जा रहा था, उसने वो भी मिस कर दी। एंड एक्चुअली 4 जून को Travis का एक सेमिनार था जिसमें वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, उसने वो भी मिस कर दिया। Travis के दोस्त they start to get worried. Travis के कुछ दोस्त उसके घर पे गए जहाँ पर उस टाइम पे वो अपने रूममेट के साथ रहता था। Travis के रूममेट ने उसके दोस्तों को बताया कि Travis तो कहीं कई दिनों से घर वापस नहीं आया है, या एटलीस्ट मैंने उसको नहीं देखा। ट्रेविस के रूम का दरवाजा भी उस टाइम पे बंद था, तो उसके रूममेट ने बोला शायद से नीचे पे कीज होंगी, मैं जाके चेक करके आता हूँ, शायद इसके रूम से हमें कोई क्लू मिल जाएगा कि ये कहाँ गया है। तो उसने स्पेयर की ली एंड उसने ट्रेविस का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी गंध आई एंड जैसे ही वो ट्रेविस के बाथरूम में गया तो उसने देखा कि ट्रेविस अपने शावर के फ्लोर में मरा पड़ा है। Zach, what happened that day? Yes, I did, Nancy, and thank you for having me on. That day, I remember, I was actually watching a movie with my girlfriend at the time, or my wife now. I remember getting a knock on my door, and Travis's friends came to the door, and they said, "Have you seen Travis?" And I said, "Well, no, I haven't seen Travis. He's supposed to be in Cancun or out on vacation right now." And they said, "Yes, he is, but he's supposed to be here with me." And so I said, "Well, have you checked his bedroom?" And that was my first thought. So they said, "Well, no, we haven't, the door's locked." And I said, "I think he keeps a spare set of keys downstairs." So I went downstairs and I searched for him and grabbed a few sets of keys and came back upstairs and tried a few different sets of keys, and one of them happened to be his bedroom key. And as soon as the door was opened, the right-hand side, I did end up seeing a pool of blood and looked down the hallway and saw just blood strewn throughout the hallway, and my heart just sank. I ended up going into the closet that's adjacent to the hallway, and it opens up to the bathroom as well. And that's when I saw his body, and I came back out and I just told everybody he's dead. Call 911. June 3rd, 2008, after having sex with Travis, जोडी एंड ट्रेविस ने ये डिसाइड करा था that they will shower together. वो ट्रेविस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़ी थी एंड बस डिफरेंट पोजिशंस में ट्रेविस की फोटोज़ ले रही थी, which was nothing out of the ordinary. पर ट्रेविस को जोडी के असली इंटेंशंस पता नहीं थे। जोडी ने एक चाकू निकाला एंड ट्रेविस का पूरा गला काट दिया। He fell out of the shower and knocked the camera from Jody's hands. ट्रेविस ने अपने गले पर हाथ रखा खून रोकने के लिए एंड वो पेट के बल जमीन पर गिर गया। जोडी वॉज सो मच enraged at that point कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एंड शी वॉज जस्ट शाउटिंग एट ट्रेविस व्हेन ही वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। जोडी ने गुस्से में ट्रेविस के ऊपर चढ़ के उसे चाकू से स्टैब करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जोडी ने उसके हार्ट के थ्रू चाकू घुसाया जिससे ऑब्वियसली कोई भी मर जाएगा, बट देन टू बी 100% श्योर उसने ट्रेविस के पीठ में 27 बार और चाकू घुसाया। इस टाइम पर कैमरा जोडी एंड ट्रेविस से काफी दूर गिर चुका था, पर इस कैमरे से दो एक्सीडेंटल फोटोज क्लिक हुई थी। एक तो फ्लोर की थी जो कि ज्यादा कुछ रिवील नहीं करती है, पर दूसरी पिक्चर में तुम क्लियरली देख सकते हो कि जोडी ने ट्रेविस को सीधा बैठा दिया है and he was losing a lot of blood and you can see कि ट्रेविस की बॉडी से खून गिर रहा है। इस फोटो में एक शू भी दिख रहा है जो कि बाद में जाकर जोडी के शूज से मैच होगा। आफ्टर दैट जोडी ने अपनी ग्रैंडमा के घर से छुराई हुई गन से पॉइंट ब्लैंक ट्रेविस के राइट साइड वाले आईब्रो के थोड़ा ऊपर गोली मार दी। जब जोडी अपने सेंसेस में वापस आई तब उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। शी इमीडिएटली स्टार्टेड टू क्लीन ब्लड फ्रॉम हर नाइफ एंड द गन। इसके बाद वो फ्लोर या ऐसी कोई भी जगह जहाँ उसने टच करा है वहाँ से खून साफ करने लगी। उसने ट्रेविस को बाथटब के बगल में जो शावर था उसमें डाला और कर्टन्स बंद कर दिए थे एंड देन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आइज उसे वो कैमरा दिखा। उसने जल्दी जल्दी उस कैमरा से सारी फोटोज डिलीट करी एंड उसे पानी से भरे वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। वो अभी भी बाथरूम से अपने सारे ट्रेसेस हटा रही थी, पर जितने बार भी वो शावर की तरफ देखती उसके अंदर एकदम डर का शौक सा लगता। तो उसने सफाई छोड़ी एंड वो वहां से सीधा भागने लगी। हॉलवे में जाते हुए वो ट्रिप हुई, बट शी डिड नॉट केयर एंड वो सीधा अपनी रेंटल कार लेके कैलिफोर्निया वापस आ गई। कार वापस देते समय रेंटल ओनर ने ये नोटिस करा कि कार की फ्लोर मैट्रेसेस गायब थी एंड सीट के लेफ्ट साइड पर खून के निशान थे, पर इसी वजह से कार मिलने के दिन ही उसने कार वॉशिंग के लिए दे दी थी, which removed all the evidence from that rental car. Okay, let's talk about this whole scene first. Travis first of all allowed Jodi to stay with him. And अब ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, you don't need to be detective Conan at this point, ठीक है? पर उसने अपनी दादी की गन चुराई थी एंड गन चुराने के बाद उसने कैलिफोर्निया में पुलिस को भी मैनिपुलेट करा था। देन सेकंडली शी वाज थिंकिंग कि आफ्टर हैविंग सेक्स विद हिम शी वाज ट्राइंग टू रिमूव हर फिंगरप्रिंट्स एंड शी वाज ट्राइंग टू रिमूव हर ट्रेसेस। सम टाइम्स शी वाज सो केयरफुल दैट इट जेन्युइनली स्कैर्ड मी, बट देन अदर टाइम्स आई फील लाइक वो अपने सेंसेस खो देती थी। बट वन थिंग इज फॉर श्योर शी वॉज बैशेड क्रेजी एंड एट दिस पॉइंट ट्रेविस के फ्रेंड्स को या उनकी फैमिली को भी ये पता नहीं था कि ट्रेविस के साथ क्या हुआ है. एंड आई हैव लिसन टू अ केस विद एग्जैक्ट सेम मिस्ट्री ऑफ आरुषि तलवार ऑन कुकू FM. आरुषि की डेथ भी अचानक से हुई थी एंड इस केस में भी पहले एक सस्पेक्ट हेमराज था, पर 9 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नोबडी कुड से फॉर श्योर कि किसने आरुषि को मारा था. एंड 9 साल में आरुषि के पेरेंट्स को जेल भी जाना पड़ा था. व्हाट हैपेंड टू राजेश एंड नुपुर तलवार हु वाज कन्विक्टेड इन आरुषि तलवार केस? आर तलवार स्टिल इन जेल? अगर तुम्हें इस पूरे केस को सुनना है देन यू कैन लिसन टू इट ऑन कुकू FM एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू रीड मोर अबाउट दिस टाइप ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज. पर से इजी है दैट यू जस्ट लिसन टू दीस केसेस ऑन KUKUFM. KUKUFM में तुम्हें बायोग्राफी, बुक समरी एंड थ्रिलर केसेस सुनने के लिए भी मिल जाते हैं. KUKUFM का एयरली कॉस्ट है $3.99. अगर आप कोड SR PAY 50 यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, पर यह कोड बस पहले 250 यूजर्स के लिए है, सो जल्दी ही क्लेम कर लेना. इतना सारा नॉलेज मेरा कोड यूज करने के बाद इट विल बिकम 199. 199 में स्टारबक्स में कॉफी भी नहीं मिलती है. एंड व्हेन यू आर डन विद आरुषि तलवार का केस यू कैन ऑल्सो लिसन टू 2 सिमिलर बुक्स. डेवलपमेंट ऑफ अ सीरियल किलर, जिससे आप एक सीरियल किलर की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, एंड अ केस अबाउट रमन राघव who was India's first serial killer. So go check out KUKUFM. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. बहुत ही अच्छा, knowledgeable and obviously affordable app है. And if you click the link in the description, it will help me out also. Now getting back to the case. On June 9th, 2008, Travis was finally found dead in his bathroom. उसके कमरे में एंटर करते ही हर जगह खून था. डर में ट्रेविस के दोस्तों ने पुलिस को कॉल करा. एंड जब पुलिस ने पोटेंशियल सस्पेक्ट पूछा तो they said that he had a crazy ex-girlfriend named Jodi. What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut his head? No, it's all over the place. Is there any weapons around? No, I don't know. Not that I saw. Okay, you're a good friend of Travis's, correct? Yes, I am. Okay, yeah. Has he been depressed at all, thinking about committing suicide, anything like that? I don't think he's been thinking he committed suicide. He's been really depressed because he broke up with this girl, and he was all upset about that. But I don't think he would actually kill himself over that. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Do you remember it? Zach. What's his ex-girlfriend's name? Ask Taylor. And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jodi. I don't know if he's ever reported. Hold on. Yeah. Ask Taylor if he's ever reported Jodi to the police, like if Travis did. No, he hasn't reported anything about Jodi's behavior. पुलिस ट्रेविस के घर आई एंड दे स्टार्टेड टू कलेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग दैट कैमरा ऑल्सो. पर सारी फोटोज तो जोडी ने डिलीट कर दी थी. स्टिल फॉरेंसिक टीम दे मैनेज टू गेट फ्यू ऑफ दम बैक, जिसमें से ज्यादातर फोटोज में जोडी एंड ट्रेविस सेक्सुअल पोजीशन में थे. बट द गुड पार्ट अबाउट दीज फोटोज वाज कि इन सब में टाइम स्टैम्प था. पर जो लास्ट पिक्चर थी जिसमें ट्रेविस जिंदा था, इन दैट ट्रेविस लुक्स लाइक He knew what Jodi was about to do to him. As I said before कि जब ट्रेविस के दोस्तों ने पुलिस को फोन करा था तो उन्होंने जोडी का नाम लिया था. एंड इस इन्वेस्टिगेशन में भी जोडी का नाम बहुत बार आया. You will not believe what I'm about to say. पर जब पुलिस ट्रेविस के घर में थी तो उन्हें जोडी का एक लास्ट फोन मैसेज ट्रेविस के फोन में मिला, which she clearly planted there. Just in hopes कि अगर कभी फ्यूचर में ये चीज़ पकड़ी गई, फ्यूचर में अगर कभी जोडी पकड़ी गई तो वो ये कह सकती है कि मैं तो उस टाइम पर वहाँ थी ही नहीं. So police went directly to Jodi's house and उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया था for investigation. I know Leslie called you, so I already talked to her, so you can call her back if you want, but it's not necessary. My phone died, so I wasn't getting back to anybody. And what else? Oh, and I drove 100 miles in the wrong direction, over 100 miles. Thank you very much. So yeah, remember New Mexico? It was a lot like that. Only you were here to prevent me from going into the 3 digits. So fun. Tell you all about that later. Also, we were talking about when we were talking about your upcoming travels my way, I was looking at the May calendar. So I'm all confused. But Heather and I are going to see Othello on July 1st, and we would love for you to accompany us. Let me know, and I will talk to you soon. Bye. And that's why you left this message. And we heard in exhibit number 365, right? Yes. Well, that's part of the reason. Well, that was the main reason, wasn't it? Yes. I mean, there would be really no other reason to leave a dead man a telephone call, would there? पहले जोड़ी ने सीधा डिनाई कर दिया था कि वो मेसा एरिजोना के आसपास कहीं महीनों से नहीं गई थी। उसने पुलिस को बोला कि वो ट्रेविस से उस दिन नहीं मिली थी एंड इनफैक्ट उसने ट्रेविस को कई महीनों से नहीं देखा था एंड वो इस स्टोरी पर कई दिनों तक खड़ी रही। Everybody's pointing a finger at you. You know, everybody is saying, I don't understand what happened to Travis. I don't know who killed him. But you need to look at Jodi. And sometimes the simplest answers are the correct ones. The first week of June, you took a trip to Salt Lake City. Which route did you take from there? I was supposed to get on the 15 and go all the way up. Uh-huh. And I somehow got off the 15. Where did you end up? For a while I was lost, and I'm not above sleeping in the car, so I slept for a while. Okay. I'm a heavy sleeper and I sleep a lot, so... But you were on the 15 for a while, mm-hmm. and you ended up getting off the 15 somewhere. Yeah, I looked at a map, but I'm pretty sure I know where I went. Can I draw you a map? Sure. So this trip took you a little over 48 hours then. I have a problem with this trip. Well, I went first too. Yeah, I know. Okay. I know you went down here. I've gone over this trip over and over in my mind and on paper. And even if there's still 20 some odd hours, even if you pulled over to sleep, a couple of times. Oh, did I tell you that I got stranded? Yeah. Okay. You mentioned that. If you slept for 10 hours, I only slept for 11 here and here, it would still leave 18 some odd hours for something else. Okay. This is what people are focusing on, is this trip that you took. Because they're saying she left, she didn't get to till Thursday. बट जैसा कि मैंने बोला था, फॉरेंसिक टीम ने कैमरे से फोटो रिट्रीव कर दी थी एंड जब उन्होंने ये फोटोज जोड़ी को दिखाई, देन शी ट्राइड टू चेंज हर स्टोरी। टेकिंग फोटोज ऑफ ईच अदर एंड देयर डेटेड एंड टाइम स्टैम्प्ड ऑन द डे ही डाइड। आर यू श्योर इट्स मी? आई मीन दैट बिकॉज़ आई वाज नॉट देयर। इट्स यू। अब क्योंकि पुलिस ने जोड़ी को ट्रेविस की फोटोज उसके साथ दिखा दी थी, तो उसने पुलिस से एडमिट करा कि हाँ, उस दिन मैं उसके साथ ही थी, पर मैं बहुत डरी हुई थी एंड मैंने उसे नहीं मारा। शी सेड दैट कि जब वो ट्रेविस के साथ थी, तब उनके घर में दो अनजान लोग घुस गए थे एंड दे वर ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, जिसकी वजह से जोड़ी ने उनका चेहरा नहीं देखा। ये दोनों आदमी ट्रेविस से पैसे मांग रहे थे एंड जब ट्रेविस ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो दे बोथ किल्ड हिम। उन्होंने ही ट्रेविस के सर में गोली मारी एंड उन्होंने ही ट्रेविस के पीठ में चाकू मारे एंड मरने से पहले ट्रेविस ने धक्का मारकर जोड़ी को वहां से भागने के लिए कहा एंड क्योंकि इन दोनों रॉबर्ट्स के पास गन थी, तो जोड़ी वहां से जान बचाकर भागी एंड डर की वजह से उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। Did you kill Travis Alexander? I absolutely did not kill Travis Alexander. I had nothing to do with his murder. I didn't harm him in any way. Describing for the first time what she says happened the day of the murder. I witnessed Travis being attacked by two other individuals. Who? I don't know who they were. I couldn't pick them out in a police lineup. So what happened? They came into his home and attacked us both. She says a man and a woman wearing masks burst into the home and attacked both of them. Jodi claims she fled but was too terrified to call the police. I'm not proud that I just left my friend there to be slaughtered at the hands of two other people. I'm not proud of that at all. You understand, you look guilty here. I understand that everything, all of the evidence against me right now is very compelling. What really happened in there? In a nutshell, two people took Travis's life, two monsters. Which again does not make any sense, because if she was robbed, Why didn't she just call the police? Oh, by the way, she was 32 at that time जब उसने स्टोरी बनाई थी पुलिस के सामने। इन्वेस्टिगेशन के बीच में जोडी को ये लगा था कि पुलिस ने उसकी स्टोरी पर बिलीव कर लिया है एंड अब उसे बस पब्लिक के सामने अच्छा दिखना है। तो अब वो एक ऐसी एक्स गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही थी जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज मोर्निंग एंड उसने ट्रेविस के फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। पर अच्छा बनने के चक्कर में जोडी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए एंड अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए जोडी ने पुलिस से ये कहा दैट आई विल हेल्प यू इन एनी वे एंड उसने अपने DNA का सैंपल पुलिस को दे दिया था। शी ऑल्सो सेड दैट कि मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हूँ। डू यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि जब जोडी ट्रेविस के घर से भाग रही थी देन शी ट्रिप्ड इन द हॉलवे। वेल दैट मिस्टेक इट केम बैक फॉर हर। पुलिस ने इस दीवार पर मिले खून से जोडी एंड ट्रेविस के DNA सैंपल मैच कराए। उन्हें इस दीवार के दरवाजे के पास जोडी के हाथ के प्रिंट्स भी मिले थे एंड विद द हेल्प ऑफ जोडी हरसेल्फ पुलिस ने इस DNA एंड हैंड प्रिंट्स को जोडी से मैच करा दिया था। You either had blood on your hand and you touched the wall, or there was blood on the wall and you touched the blood. Could my palm print have already been there and the blood touched it? Jodi, this is over. This is absolutely over. You need to tell me the truth. Listen, the truth is I did not hurt Travis. And this was not the only hole that she dug for herself. As this thing was obvious कि जोडी ने ही अपनी grandma की गन चुराई थी, .25 caliber handgun. पुलिस को उस सेम गन से चली हुई एक बुलेट ट्रेविस के बाथरूम के नीचे मिली। On July 9th, 2008, on her birthday, पुलिस ने जोडी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस पुश कर दिए थे, पर जोडी अपने घर से भाग गई थी। And on 15th July 2008. पुलिस caught her and she was arrested. ट्रेविस के घर से निकलने के बाद जोडी went through a very drastic makeover. उसने अपने बाल ब्लॉन्ड से ब्राउन कर दिए थे and she started wearing glasses. उसने अपने बैंग्स भी काट दिए थे in hopes कि कोई से पहचान नहीं पाएगा। एंड अभी भी इन्वेस्टिगेशन में जोडी अपनी स्टोरी पे खड़ी रही एंड वो और ज्यादा इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही थी। पर जोडी को ये चीज पता नहीं थी कि पुलिस ने उसका DNA मैच कर दिया है एंड पुलिस को उसकी ग्रैंडमा की गन से निकली हुई गोली भी ट्रेविस के घर पे मिल गई थी। तो इन्वेस्टिगेटर्स दे स्टार्टेड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन जोडी एंड यहीं से जोडी ने अपनी खुद की स्टोरी में बहुत सारे क्रैक डालने शुरू कर दिए थे। नाउ लेट्स सर्कल बैक टू दिस इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपर्ली समझाऊंगा मैं तुम लोगों को बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि हाउ डज दिस वुमन थिंक। सबसे पहले जोडी ने कहा था कि वो कभी भी ट्रेविस से मिलने नहीं गई थी। इनफैक्ट वो महीनों तक ट्रेविस से नहीं मिली थी, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने एक सेकंड के लिए मान भी लिया था। पर फैक्ट चेक करने पर उन्होंने जोडी से कहा कि आपके शेड्यूल में फिर भी 20 घंटे खाली हैं, तुमने उस 20 घंटे में क्या करा? टू विच शी रिप्लाइड कि हाँ, मैं एक छोटी ट्रिप पे गई थी एंड बहुत ज़्यादा थके हुए होने की वजह से एंड रात होने की वजह से मैं 20 घंटे अपनी कार में सो गई थी। इसके बाद जोडी डम प्ले करने लग गई। वो इन्वेस्टिगेशन रूम में सोने का, हेडस्टैंड करने का एंड गाने गाने का ढोंग करने लगी। Change my memory. Just to forcefully show these investigators कि वो कितनी calm है and because she's so calm, this meant कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा था। पर उसको ये चीज पता नहीं थी कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास सारे एविडेंसेस थे, they were just having fun with her. इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी एंड उन्होंने फाइनली जोडी को ये बताया कि जोडी की फोटो उन्हें ट्रेविस के कैमरा पे मिल गई थी एंड जो अब मैं फुटेज प्ले करने वाला हूँ उसमें तुम्हें एग्जैक्टली दिख जाएगा कि किस टाइम पर उसे ये रियलाइज हुआ कि oh shit, पुलिस के पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं। Were you at Travis's house on Wednesday? Absolutely not. What if I could show you proof you were there? There's pictures. I know you know there's pictures because I have them. Are you sure it's me? I mean that because I was not there. It's you. I know you took pictures of him in the shower, and the camera actually took a couple of photos by accident. During the time he was being killed. Really? And ये फोटो देखने के बाद जोडी अपनी दूसरी वाली स्टोरी पे आई। उसने पुलिस को फिर ये कहा कि 2 मास रॉबर हमारे घर में आए थे एंड वो चोरी कर रहे थे। But I swear to God, this investigator, okay? ये इन्वेस्टिगेटर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। Because not only once, सिर्फ एक बार ही नहीं, उसने जोडी से 2 बार ये कन्फेस कराया कि हाँ वो ट्रेविस के साथ ही थी। He was very private about the shower, like we. Is that why you were taking pictures of him in the shower? No, no. Trying to get back at him. No. And now for third and final time, जब वहाँ किसी भी थर्ड पर्सन का एविडेंस नहीं था, जोडी को ये रियलाइज हो गया था कि उसका डीएनए ट्रेविस के घर पे मिले हुए डीएनए से मैच हो गया है। तो उसने अपनी स्टोरी दोबारा से चेंज कर दी। अब उसने ये एडमिट करा कि हाँ, गोली और चाकू दोनों मैंने ही चलाए थे, बट दिस वाज ऑल डन इन सेल्फ डिफेंस। ये सब कुछ उसने अपने आप को बचाने के लिए करा था। उसने कहा कि ट्रेविस एक सेक्स फींड था एंड वो जोडी के साथ जबरदस्ती चीजें करवाता था and she could not bear it anymore. But then why did she go to Travis's house? वो भी 5 घंटे की ड्राइव से अपने पैसे खर्च करके। Normally wouldn't you wanna run away from your molester? Anyways, जोडी के सारे झूठ बहुत ही ज़्यादा जल्द पकड़े जाने वाले थे and बहुत ही जल्द ट्रेविस को कोर्ट में इंसाफ मिलने वाला था। December 12th, 2012. आफ्टर 4 years फाइनली जोडी का ट्रायल शुरू हुआ एंड ट्रायल शुरू होते ही ट्रेविस की फैमिली के लॉयर्स ने जज से प्लीड करा कि इसको सीधा डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ द वे शी ब्रूटली किल्ड हिम। पर जोडी के लॉयर्स ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जोडी के एक्शंस आर जस्टिफाइड बिकॉज ट्रेविस वाज सो मच हार्श टू हर एंड ट्रेविस यूज्ड हर बॉडी टिल द एंड। जोडी ने जो भी करा था वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में था। ये ट्रायल पूरे 5 महीने चला एंड इस पूरे टाइम पर जोडी अपनी लास्ट वाली स्टोरी पर टिकी रही। पर अब इस पॉइंट पर जोडी ट्रेविस को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी सो दैट इट विल रिड्यूस हर सेंटेंस, आई गेस, आई डोंट नो। जोडी ने ये क्लेम करा कि ट्रेविस ने उस पर ही नहीं पर जवान बच्चों पर भी, कि ट्रेविस छोटे लड़कों और छोटे लड़कियों को ग्रो अप करता था एंड जोडी बस इन बच्चों को बचाने के लिए ही ट्रेविस के साथ थी ताकि ट्रेविस अपनी सारी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बस जोडी पे निकाल दे एंड इन बच्चों को हार्म ना करे। एंड द ऑडियो दैट शी यूज फॉर दिस थिंग वाज, क्योंकि ट्रेविस ने एक बार जोडी को बोला था दैट यू साउंड लाइक अ लिटिल गर्ल, दैट्स व्हाई। इसीलिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस छोटी सी क्लिप पर जोडी ने पूरा एक केस बना दिया था। जोडी ने यह भी कहा कि पहले उसके मन में ट्रेविस को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था एंड वो गन बस सेल्फ डिफेंस के लिए लेकर आई थी, पर ट्रेविस ने उसे बाथरूम टब से बॉडी स्लैम करा। इसीलिए जोडी ने ट्रेविस को गोली मार दी एंड दिस वाज आल्सो ऑब्वियसली डिनाइड। पर मैं तुम्हें एक ऐसी क्लिप दिखाना चाहता हूँ इस ट्रायल की जिसमें कोर्ट में सबको पता है कि जोडी झूठ बोल रही है except Jodi, and इस क्लिप में even that judge is frustrated. But this is a prime example of how court works just on evidences and on made up truth. This is a very small closet, isn't it? No, it's bigger than the cell that I live in. It's bigger than what? It's bigger than the cell that I live in. It's not a small closet. Ma'am, we don't want to know where you live in. Do you understand that? I'm just using that as reference. It's not small. Do you understand? Did I ask you where you were living? No. We're clear, right? We do not want to know where you're living right now. You understand that? Okay, sorry. No need to be. Take that attitude that... Is there an issue with you with answering the questions as they're posed? Sometimes, but I'm trying to answer them the best I can. So is it an attitude issue with you then? Objection, argument. Mr. Alexander is out of the shower, correct? Yes, he is. Or he stepped out. I don't know if he has one foot in, one foot out, but he stepped out. Well, he needed to have been out of the shower in order for him to grab you and body slam you, didn't he? Not necessarily. Oh, so you're saying that he was in the shower, and from the shower he kind of reached over and grabbed you and body slammed you sideways, even though he wasn't out of the shower? No, I said he definitely stepped out, but I don't know if he had both feet out or one foot out. So when he is in the shower, he at least takes one step out, and you're far enough away so that the water's not going to be getting on the camera, right? Right? Yes. And in this position where his legs are open, potentially, right? Right? Yes. You're saying that he reaches over with one leg still in the shower, and he body slams you. That's what you say, right? No, it's not what I said. Yeah, man, I don't know what to tell you, okay? उस कमरे में बस जोडी was proud of her story and she believed in it. After this, कोर्ट के जज ने जोडी से पूछा कि अगर आप ट्रैविस से इतना ही डरती थी तो आपने ट्रैविस के कैमरा से इतनी वेल फ्रेम्ड फोटोज क्यों ली। टू विच शी रिप्लाइड दैट ही ऑलवेज मेड हर डू दिस थिंग। अगर मैं ट्रैविस की फोटोज नहीं लेती थी तो वो मेरे पे चिल्लाता था। एंड इस दिन भी फोटो लेते समय ट्रैविस को जोडी पर गुस्सा आ गया था। उसने जोडी के हाथ से कैमरा गिराया एंड फिर वो जोडी को मारने लगा, कॉन्ट्रडिक्टिंग हर पॉइंट कि ट्रैविस ने उसे शावर से बॉडी स्लैम करा था, जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस में जोडी ने वापस ट्रैविस को मारा। बट देन अगेन उसकी सेकंड स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट होती है, क्योंकि जोडी ने पहले कहा था कि मैंने उसे गोली मारी। सो इफ ट्रैविस हेल्ड हर डाउन अकॉर्डिंग टू हर, हाउ डिड शी गेट द गन फ्रॉम, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ ट्रैविस हेल्ड हर डाउन हाउ डिड शी गेट द गन फ्रॉम हर पर्स which was in their bedroom. There's a lot of holes in her own story. But on 8th May, 15 घंटे दोनों साइड को सुनने के बाद कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड करा that Jodi Arias was guilty. State of Arizona versus Jodi Ann Arias, verdict count 1. We the jury, duly impaneled and sworn in the above entitled action, upon our oaths do find the defendant as to count 1 first degree murder guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Signed, foreperson. Is this your true verdict, so say you want it all? Ladies and gentlemen, the clerk is now going to ask each of you a question. Please answer yes or no. इस क्लिप में तुम्हें ट्रैविस की फैमिली की आवाज सुनाई दे रही होगी। एंड फाइनली आफ्टर 4 years they got their justice. पर जोडी को डेथ पेनल्टी नहीं मिली जैसे कि ट्रैविस की फैमिली चाहती थी। She was sent for life imprisonment. एंड आज भी एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम में जोडी अपनी उम्र कैद की सजा काट रही है। एंड विद दैट क्रेजी रोलर कोस्टर, That's about it for Jodi Arias story. See, Travis and Jodi के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें ट्रैविस को एक बहुत ज्यादा अच्छा आदमी दिखाया गया, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज द विक्टिम। बट आई डोंट थिंक इस केस में एवरीथिंग इज सो ब्लैक एंड व्हाइट। ट्रैविस ने जोडी को हुक पे रखा फॉर सेक्स, वो बस सेक्स के लिए अपने रिलीजन के बिलीव्स के अगेंस्ट किया। एंड जोडी के साथ रहने पर भी वो दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था। बट इन कंपेरिजन टू दैट जोडी मेक्स ट्रैविस लुक लाइक अ सेंट। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि जोडी को कोई फेम कोई सिंपैथी नहीं मिली थी। इस पूरे ट्रायल में शी वाज एक्टिंग डम, शी वाज एक्टिंग इनोसेंट। एंड जब फुटेज बाहर आई थी तो कहीं लोगों को ये विश्वास हो गया था कि शी वॉज इनोसेंट। उसके नाम पर कहीं बुक्स भी लिखी गई थी। पर एंड में ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को सच्चाई पता थी। एंड अगर तुम लोगों को और भी वेल एक्सप्लेन ट्रू क्राइम कैसे सुनने हैं, देन गो चेक आउट KUKUFM एंड यूज माई कोड SRPAY50 टू गेट 50%. एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी फर्दर एंड डायरेक्टली डोनेट टू मी, यू कैन डू दैट थिंग थ्रू माई UPI. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी मुझे लास्ट वीक डोनेट करा था। आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, सीरियसली। सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई हिट अ मिलियन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस. And I will see you very soon. Bye bye.